मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जवान सड़क पर हैं, इस समय जवान की हौसला अफजाई में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है। आज हमने तय किया है जो TI हैं उन्हें SDOP बनवाएंगे, 160 प्रमोशन होंगे। आज कोरोना की रिपोर्ट में 12,000 नए केस सामने आए हैं और 13,000 ठीक हुए हैं। देश दूसरे राज्यों की तुलना में सुधार के मामलों में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर है। रिकवरी रेट 85% हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश में 85,000 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। प्रदेश में 50,000 प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। सोमवार को 64,000 टेस्ट का रिकॉर्ड बना है। होम आइसोलेशन वाले 99% लोगों को मेडिकल किट दे रहे हैं। आज प्रदेश में 541 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। MP में रिकवरी रेट 85% हो गया है। आज प्रदेश में 541 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध होने की संभावना है। 541 जो आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण और अधिक है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं मेडिकल रिसर्च भारत सरकार द्वारा प्रदेश के भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल के चिकित्सालयों में नवीनतम BPSA तकनीक का प्रयोग कर 1,60,00,000 की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस प्लांट में 300 से 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनेगी जो 50 बिस्तरों के लिए पर्याप्त होती है। जिला अस्पतालों में 1,527 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन डालने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक 82,07,804 से अधिक लोगों का टीकाकरण इस मध्य प्रदेश के अंदर हमने कर दिया है। किल कोरोना 2 अभियान के अंतर्गत 15,308 सर्वे टीमें हमने गठित कर दी हैं, जो अपना घर घर जाकर इस काम को कर रही है और संभावित मरीजों की पहचान कर रही है। जहां संक्रमण की दर अधिक है वहां चलाया जा रहा है अभियान द्रुत गति से। अब तक 3,24,40,000 से अधिक जनसंख्या का सर्वे किया जा चुका है। हमने प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 50,000 से अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। कल हमने 64,054 टेस्ट किए जो अपने आप में रिकॉर्ड थे। 60,000 पहले हमने ही रिकॉर्ड बनाया था, अब 64। हमने 52 जिलों के अंदर 264 कोविड सेंटर बना दिए और प्रारंभ कर दिए, चालू हैं वर्तमान में। 17,301 बेड वर्तमान में उपलब्ध है, 1,375 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 22,010 संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए। 2,63,715 बेड वहां पर उपलब्ध हैं। 2,63,000 बोले। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन के रहने वाले 99% मरीजों को हम मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल किट उपलब्ध करा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के वैक्सीन वाले बयान पर कहा कि हमें कोसने वालों, राजनीति करने वालों, आप बता दो कहां से लाएंगे, कुछ भी कर लो, कांग्रेस आलोचना करेगी। पहले भी भ्रम फैला रहे थे, पीड़ित लोगों की सेवा करने वाला एक भी काम नहीं किया कांग्रेसियों ने। सरकारी अस्पतालों में सब कुछ निशुल्क है, निजी अस्पतालों में जहाँ लूट हो रही है वहाँ जाँच होगी। हमको मुसलसल कोसने वालों, हमेशा राजनीति का चोला ओढ़ने वालों, घर पर बैठकर सिर्फ ट्वीट से राजनीति करने वालों, आप ही बता दो कहां से आए। हम पर तो जो उपलब्ध हैं हम ला रहे हैं। आप इनकी स्थिति तो देखिए, कुछ भी कर लें आलोचना ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। वैक्सीन आ गई, भाजपा की वैक्सीन है, सुअर की चर्बी मिली हुई है। जब प्रयोग हो गई और लोग लगवाने लगे तो प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं लगवाई? फिर प्रधानमंत्री ने लगवा ली तो तारीख क्यों नहीं बता रहे? नौजवानों को लगना चाहिए, नौजवान को लगने लगी तो तारीख बताओ। कल तारीख बता दी तो बोले कम आई है। अरे भाई, जितनी उपलब्ध आज है वो पर्याप्त है आज के लिए। 5 तारीख को पर्याप्त है, 6 को पर्याप्त है, 7 को तारीख दे दी। और लगातार कंपनियों से आग्रह किया कि जल्दी ले आए। जो भी उद्योगपति हैं उनसे कह रहे हैं
आवश्यकता पड़ेगी तो विदेश से भी कोशिश करेंगे लाने की। पर आप बड़े उद्योगपति हो कमलनाथ जी, आप तो बताओ, आप एक आध उद्योगपति से बात करके दिला रहे हो क्या प्रदेश को? सरकारी अस्पताल में पूरी तरह से निशुल्क है, सब कुछ निशुल्क है, दवाई निशुल्क है, बेड निशुल्क है, वेंटिलेटर निशुल्क है। जहां तक असास्की की आपने बात की है, जो विषय ध्यान में डाला है, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में डाल दूंगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।